Welcome to Dr. Kiani's World, where you can learn all about drama and theater. कि इससे पहले सर जो अजोका थिएटर के ऊपर काम हुआ है, ज़ाहिर है हम उसके तसलसल को भी कायम रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई नई जिद्दत भी लाना चाहते हैं। अच्छा, अब मेरी जो ज़ाती राय है वो ये राय है सर कि जो अजोका का क्रिएटिव प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत अजोका जो है वो ख़ुद को यूनिक बनाता है बाकी थिएटर के नस्बत पाकिस्तान में बिलखसूस, तो वो जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसको उसकी डिस्कशन बहुत कम मिलती है। और आप यूँ समझिए कि हम जो हमारे पॉलिटिकल एंगल है, जो मेरी जो रिसर्च ये कहती है कि जो पॉलिटिकल एंगल है उस पर तो बहुत बात है, लेकिन जो हमारा क्रिएटिव प्रोसेस है अजोका थिएटर का उस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है। एक तो ये है सर। दूसरी बात ये, दूसरा एक तो ये पहलू मैंने नोट किया, दूसरा पहलू ये नोट किया कि जो तारीखी प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, जिसमें बहुत बड़ा प्ले जो मैं समझता हूँ वो दारा का प्ले है। मैं दारा बजाते खुद एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल करेक्टर भी है और अनएक्सप्लोर्ड करेक्टर भी है और मासूम करेक्टर भी है पाकिस्तान की तारीख का, कि उसको इग्नोर किया गया। अच्छा, अब आपकी जो अजोका थिएटर की जो मैं अगर मैं उस पर काम पर नज़र डालता हूँ तो मुझे वाजह तौर पर नज़र आ जाता है कि आपके हिस्टोरिकल प्लेस जो हैं वो किसी लिहाज से भी ग्रीस कारनात के प्लेस से कम नहीं है। उसके अंदर भी री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री है और आप री राइट कर रहे हैं हिस्ट्री को। तो मैं मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये था कि वो पहलू री राइट का लफ्ज़ ज़रा नामुनासिब है मेरे ख्याल में। री राइट का मतलब ये होता सर जैसे पाकिस्तान में हमने हिस्ट्री को री राइट करते हैं, मोहम्मद बिन कासम, महमूद गजनवी, मोहम्मद अली जना और बाकी सारा आगे पीछे कर देते हैं। क्या आपने आपने बहुत सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्या आप रेक्टिफाई कर रहे हैं की तो डिस्टॉर्शन है जो जो एक बायस है जिसको निकाल के हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं। जी सर, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग आर हीरोज, आर रोल मॉडल, आर हिस्टोरिकल इश्यूज जिन जो आज के इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो आज के हमारे प्रॉब्लम्स हैं उस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो इट इज एज मच अबाउट टुडे एज इट इज अबाउट द पास्ट। जी सर, तो उसमें सर हम वी आर एक्चुअली डिस्कवरिंग आर प्रेजेंट थ्रू आर पास्ट। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही है। और यही अगर आप ब्रेख्त की फिलॉसफी भी देखें तो ब्रेख्तियन फिलॉसफी भी यही है जी, यानी जो ब्रेख्त की जो प्लेज है वो भी इसी तरह कनेक्ट कर रहे हैं पास्ट को कि वो अपना प्रेजेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके जरिए। अच्छा सर, मैं ये दो पहलू जो थे ये मुझे ये नज़र ये आए कि ये बड़े कम एक्सप्लोर किए गए हैं और इन पहलुओं के ऊपर मुझे मौका ये मिला कि मुझे मेरी थोड़ी सी नदीम मीर साहब से भी गुफ्तगू जब हुई तो मुझे कुछ चीज़ें मिली जो कि दारा के प्ले से मुतल्लिक थी। अब दारा का जो प्ले है वो हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करता है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर अगर आप उसकी स्टेज की डिज़ाइन देखें, उसकी लाइटिंग के डिज़ाइन देखें, आपकी अपनी तहरीर देखें, बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है कि आप उसकी उस डिस्कोर्स को चैलेंज कर रहे हैं जो एक दारा के बारे में हमारे तारीखदानों ने लिखा है। तो ये जो पहलू थे इन पहलुओं को हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लोर किए जाए। ठीक है, अब उसमें अगर हम एक प्ले को चूज करते हैं, ये मेरा पहला आपसे सवाल था कि अगर हम एक तारीखी प्ले को आपके चूज करते हैं और उसको लेके चलते हैं आगे और उसके ज़रिए अजोका के क्रिएटिव प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं तो ये ज़्यादा सही रहेगा या मल्टीपल प्लेस को लेके चलें, कैसे आपके नज़दीक?
मतलब हाँ, मेरे ख्याल में अगर एक प्ले को लेके चलें जी, वो एक उसकी कंटिन्यूटी बनती है जी, और उसका एक ज्यादा डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत डाइग्रेस भी कर सकते हैं, कुछ और रेफरेंसेस भी आ जाएं, हिस्टोरिकल प्लेज हैं तो वो रीसेंट हिस्ट्री भी आ सकती है, जैसे भगत सिंह की है और मंटो की है, और पास्ट भी आ सकता है जैसे बुल्ले शाह है, इवन फर्दर पास्ट है तो वो हमारे कुछ जो दास्तानों पे बेस्ड प्लेस भी हैं। एक तो आप ये अगर आपकी नजर से गुजरी है, वरना वो आपको इजीली फेसबुक पे मिल जाएगी, हमारी डॉक्यूमेंट्री है जो म्यूजियम ब्लॉर म्यूजियम पे जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान बेस्ट कैप्ट सीक्रेट, बड़ा उसको ह्यूज रिस्पांस मिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोर देन 3 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी व्यूज हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। उसमें वैसे तो सारी हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया गया और हिस्ट्री को हमने इसी तरह से री इंटरप्रेट किया है, उसमें 3 लोग हैं, मैं हूँ और एक हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी फ्रेंड हैं अनसुमेरा समाद, वो हैं। तो उसमें हम सारा वी आर गोइंग थ्रू राइट फ्रॉम इंडस वैली टू द प्रेजेंट टाइम्स, और साथ साथ हम गैलरी से गुजरते हुए कमेंट भी करते जा रहे हैं। उसमें एक कोई 4-5 मिनट का मेरा एक स्ट्रेट नरेशन है, दारा के रेफरेंस से ही बात शुरू होती है, एंड देन आई टॉक अबाउट द मुगल डायनेस्टी स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टू दारा एंड औरंगजेब। तो वो वैसे आप देख लें, यू माइट फाइंड इंटरेस्टिंग। तो फिर यह है कि दारा पे और बड़े अच्छे राइट अप्स हैं, एक डेली जो है ना कलकत्ता का टेलीग्राफ मैगजीन है, उसने बड़ा डिटेल में एक इंटरव्यू किया था लंदन में, तो वो कहीं हमारे रिकॉर्ड में भी होगा, तो वो भी काफी डिटेल में था। फिर एक ब्रिटिश एक वेबसाइट है यही साउथ एशियन कंसर्न की, तो उन्होंने भी काफी उसकी डिटेल की थी, वो मैं उसको ढूंढता हूँ। तो इस तरह से कुछ लोगों ने डिटेल्ड इंटरव्यूज किए हुए हैं दारा के बारे में। फिर दारा के बारे में जो उसका है जो नेशनल थिएटर की प्रोडक्शन थी, उसके भी खैर एक हमने जो प्रेस रिव्यूज हैं वो जमा किए हुए थे, और उसके अलावा एक इन्होंने नेशनल थिएटर वालों ने एक ब्रोशर छापा था प्ले के बारे में, तो उसमें दारा की हिस्ट्री और दारा का रेलेवेंस इस तरह की चीज़ों को अच्छा डिस्कस किया हुआ है, तो दैट माइट बी यूजफुल। बहुत अच्छा। और ये अच्छा ये बताइए सर कि जो आपकी कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है, मतलब मिसाल के तौर पर दारा को एग्जांपल लें आप, तो दारा को आपने कैसे कंसीव किया और फिर कैसे आप लेके चले, और ये किस मराहिल से होता हुआ ये प्ले जो है ये आगे बढ़ा, तो उसके मुतालिक, क्योंकि आप माशाल्लाह से जो है उसके वो भी रहे हैं, आपने मैंने देखा कि आपने प्लेस डायरेक्ट भी किए हैं, फिर आप रेजिडेंट जो राइटर तो ऑलरेडी है अजोका के, तो ये शायद नदीम साहब ये पहलू का थोड़ा सा अगर जो आपका क्रिएटिव प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल कहाँ से देखे ना, ये तो इसका क्रिएटिव प्रोसेस तो बड़ा दिलचस्प था कि वैसे आम प्ले से हटके था, लेकिन ऐसे होता है कि आपका कोई करंट कंसर्न होता है, कोई प्री ऑक्यूपेशन होती है जो आपको फिर इंस्पायर करती है टू गो बैक इनटू हिस्ट्री और इवन इनटू फ्यूचर एंड एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शंस। तो उसमें जैसे बुल्ला था, तो वो एक बुल्ले शाह की नज़मों का एक मजमूआ अंग्रेजी तर्जमे के साथ छपा था, जिसमें ये खालिद अहमद जो हमारे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उसका प्रीफेस लिखा हुआ था, उसमें 3-4 लाइनों का इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था कि जब मैं बुल्ले शाह डाइड तो क्या हुआ, वो जो हमारे प्ले में भी है कि मौलवियों ने मुफ्तियों ने और नवाबों ने कहा कि ये तो इसका जनाजा नाजायज है, और कई दिन इस पे बहस होती रही और बुल्ले शाह की लाश पड़ी रही, और फिर उन्होंने कहा हम इसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, फिर वो बाहर जाके कसूर शहर से बाहर पढ़ाई गई।
वो तीन चार लाइनों में एकदम प्ले मेरे सामने आ गया और वो फिर कई साल मैं मतलब और चीजें लिखता रहा, लेकिन मेरे जेन में था कि ये मैंने बुल्ले पे लिखना है। इसी तरह दारा का जो है ना, दारा एक एनिग्मेटिक सा कैरेक्टर था और बड़ा एक मिसरिप्रेजेंटेड कैरेक्टर था, ये याश था और लेजी था और अकायद से ही और इसको लड़ना नहीं आता था वगैरह वगैरह हो गया था कोई कहता जी, तो इस तरह की उसके बारे में अफवाह थी। लेकिन दारा से ज्यादा औरंगजेब से हमें चिढ़ चढ़ती थी तब, क्योंकि औरंगजेब की आइडियोलॉजी जो है एक नैरो माइंडेड एंड बिगटेड एक फंडामेंटलिज्म, और उसको इम्पोज करना लोगों पे, ना सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन पे बल्कि नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे, और टोटली इरेशनल एंड अनवर्केबल उसकी पॉलिसी थी कि शरीयत का निज़ाम पूरे हिंदुस्तान में नाफिज कर दो, जहाँ की वास्ट मेजॉरिटी वाज नॉन मुस्लिम, और इन एनी केस जो मुस्लिम भी थे वो आपके कंट्रोल में नहीं थे, तो इतने बड़े कंट्री को वैसे ही आप मैनेज नहीं कर सकते थे। तो औरंगजेब की फिर जो औलाद चलती आई है, जो फिर ये एक्सट्रीमिज्म आया है ज़ियाउल हक के बाद तालिबान तक, तो हमें नज़र आता था कैसे इन्होंने औरंगजेब को एक रोल मॉडल बनाया हुआ है, और औरंगजेब औरंगजेब होती है एज ए मॉडल मुस्लिम रूलर, और जिसकी जिंदगी में इतने कॉन्ट्राडिक्शन थे और जिसकी पॉलिसीज इतनी डिजास्ट्रस थी कि उसके बाद आपकी एम्पायर ही, मुगल एम्पायर ही ख़त्म हो गई, और उसने खुद उसको एडमिट किया हुआ है। तो उससे औरंगजेब के साथ चिड़ खा के कि किस तरह से इस वक्त एक्सट्रीमिज्म जो है वो औरंगजेब को की तस्वीर को अपने कंधों पे उठाए हुए है, तो फिर गॉट इंटरेस्टेड इन दारा की, दारा क्या चीज थी, तो फिर दारा को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो वो तो फैसिनेटिंग स्टोरी थी दारा की। आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी, और बल्कि मैं हुआ था लॉस एंजलिस जब ये 9/11 हुआ है, तो उस जमाने आई हैड टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट, तो मैं दारा के ऊपर रिसर्च कर रहा था वहां बैठ के। वहां पर मैंने उसकी जो वहां की जो लाइब्रेरीज है लॉस एंजलिस की लाइब्रेरीज, उसमें मैंने दारा को और सरमद को डिस्कवर किया कि वहां पर मुझे एक नुस्खा मिला सरमद की शायरी उर्दू में और फारसी में, तो मैं हैरान हो गया। वहां पर एक नुस्खा पड़ा हुआ था और वो एक ये ईस्ट पंजाब की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने छापा हुआ था, तो वहां पर था। तो उसमें आई रियलाइज कि ये सरमद उसी दौर में था और किस तरह की पोइट्री थी, सूफी पोइट्री। फिर सरमद की मिथ्स मिलनी शुरू हुई, फिर तो वहां पर मैंने एक काम किया, बल्कि उसके पे एक सीन की मैंने वहाँ ड्रामेटिक रीडिंग भी की। वहाँ एक जर्मन कल्चरल सेंटर था लॉस एंजलिस में, और जिसमें अच्छे जरा एक बड़े माकूल किस्म के एक्टर्स आए, और उन्होंने उस रीडिंग में मेरे साथ जो शाहजहान का और सरमद का जो एक मुकाबला होता है, जो हमारे सीन में कहीं आखिर में करके कहीं है, वो मैंने सीन पहले लिखा कि वो शाहजहान आके कहता है। इसका मतलब ये है सर कि इसका मतलब ये है कि आपका क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो एक रिसर्च से स्टार्ट होता है, और आपने उसको आपने बड़ी डिटेल स्टडी किया। जी, रिसर्च से पहले एक जरूरत होता है, उसी से स्टार्ट होता है कि ये औरंगजेब के अलावा भी कोई इस्लाम में कोई और शक्ल भी थी इस्लाम की, और इस्लाम का कोई एक मॉडरेट एंड इंक्लूसिव एक इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, जिसमें सूफिया भी हैं, जिसमें सेकुलर मुस्लिम्स भी हैं। उसमें फिर हमें लगा कि भी वी हैव टू फाइंड द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम स्पेशली इन साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट। और ये औरंगजेब जो छाया हुआ है हमारे जहनों में, तो हमें नजर आ रहा था कि ये सब एक एग्जेजरेशन है, डिस्टॉर्शन है इस्लाम की। वहां से शुरू हुआ, फिर ये रिसर्च में चला गया कि देन आई हैड टू गो बैक एंड फाइंड, क्योंकि आपने क्रिएट करना है एक दौर,
300 साल पुराना एक दौर क्रिएट करना है तो उसके लिए उस दौर को समझना जरूरी है। और थिएटर में आपका जो कैरेक्टर है उससे ज्यादा उसके माहौल को समझ के लिए रिसर्च ज्यादा जरूरी है, जो नहीं मिलती। दारा पे आपको मिल जाएगी, औरंगजेब पे मिल जाएगी, पर दारा के जमाने में क्या हो रहा था, दुकानदार कैसे थे और आर्टिस्ट कैसे थे और सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, इनकी फैमिली के अंदर क्या रिलेशनशिप्स थे, उस पे कम मिलता है। तो बट यू हैव टू रिक्रिएट अ पीरियड इन हिस्ट्री एंड विच शुड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, ऑफ कोर्स इन ए रियलिस्टिक मैनर, जिसमें आप जो थिएटर की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको देख के। तो वो उस पीरियड को समझने की ज़रूरत भी थी। फिर उसके बाद चलते चलते फिर मैं इंडिया में भी पहुंचा। यहाँ भी लाइब्रेरी में, उर्दू बाजार में कुछ छोटे छोटे रसाले निकलते थे, उसमें कोई दारा शिकोह के खिलाफ लिखा होता था या दारा शिकोह के बारे में एक एज ए शायर कुछ छोटा सा निकल आया या औरंगजेब का कुछ निकल आया, कुछ में मिथ्स होती थी। और एज ए प्ले राइट आई एम ऑलवेज interested in mythology. ये बताइए कि सर आप मिथ तक पहुंचे थे, मिथ मिथ की आप कह रहे थे कि आपकी ड्रामाटर्जी में बड़ी अहमियत। हाँ बिल्कुल, as important as facts। और ये हमने बुल्ले शाह में भी देखा और बाकी भी, जैसे भगत कबीर का हमारा प्ले था उसमें भी था। और इस तरह से ये जो जो हमारा केस भगत सिंह का उसमें भी है, उसमें शाहजमाल की हमने एक मिथ उसमें शुरू से ही चलाई है कि शाहजमाल नजर आए थे, उन्होंने कहा था मैं भगत सिंह का बदला लूंगा और वो फिर बाद में ऐसे लगता है जैसे उन्होंने बदला लिया, जो नवाब अहमद खान का कत्ल हुआ था ना भुट्टो के जमाने में। जी बिल्कुल जी। तो नवाब अहमद खान वही शख्स था, मजिस्ट्रेट था कसूर का, जिसने भगत सिंह की फांसी के ऑर्डर पे दस्तखत किए थे क्योंकि लाहौर के मजिस्ट्रेट्स ने इनकार कर दिया था। तो ये तो एक फैक्चुअल चीज थी, लेकिन ये कोइंसिडेंस कि वहीं पर जहां इसको फांसी लगी थी शाहजवान चौक में, वहां पर जेल होता था, सेंट्रल जेल का फांसी का तख्ता, फांसी घाट होता था, एंड उसी जगह अब शाहजवान चौक है राउंड अबाउट, और वहीं पर नवाब अहमद खान को गोली लगी थी। तो और कहते हैं उस जमाने में मिथ थी कि शाहजमाल लोगों को नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं भगत सिंह का बदला लूंगा, ऐसे ही एक मिथ थी, कोई उसका बेस नहीं था। उसको हमने फिर पूरा डेवलप करके बनाया, प्ले ये इसके अराउंड था कि जी ये बाबा शाहजमाल का कमाल क्या था। तो इसी तरह से ये फिर दारा में भी हमें कोई ऐसी मिथ सरमद से रिलेटेड बड़ी जबरदस्त किस्म की मिथ्स मिली कि सरमद को जब उन्होंने फांसी पर चढ़ाया तो उसका सर काट दिया, लेकिन वो कलमे का विर्द कर रहा था कटा हुआ सर, और धड़ जो है वो चलता जा रहा था, और फिर जामे मस्जिद जो दिल्ली की है उसकी सीढ़ियों के करीब, फिर वो वहाँ गैब से आवाज़ आई कि सरमद रुक जा वरना ये दुनिया तहो बाला हो जाएगी, फिर वो रुक गया और लेट गया और वहीं पर सरमद की फिर अब कब्र बनी। और वाकई सरमद की जो श्राइन है वो वहीं पर है जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर, आई विजिटेड इट। तो इस तरह की मिथ्स भी मिलती रही। फिर मैं इंडिया भी गया और इंडिया जाके ये सरमद का मजार देखा। दारा शिकोह के बारे में ये था कि उसका सर कहाँ दफन किया गया और उसका धड़ कहाँ है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। आगरा गया और आगरा किला में जहाँ शाहजहां कैद रहा है उसको देखा, उसको महसूस किया कि कहाँ से शाहजमाल शाहजहां जो है वो देखा करता था ताजमहल, उन्होंने उसको ऐसी जगह पे कैद किया था आगरा किला में कि तो सामने ताजमहल नजर आता था, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी बिनाई कमजोर होती गई और फिर उसको उसको हमने ताजमहल की जो इमेज है उसको सारा चलाया है कि जब यानी जवाल होता है और शाहजहां का एक किस्म का इख्तिताम आता है तो वो उसको उसको ताजमहल जो है वो नज़र नहीं आता, उसकी बिनाई इतनी कमज़ोर हो जाती है। फिर मैं गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिली जो क्वाइट फैसिनेटिंग, जिसमें एक थे रुकात आलमगीरी जो लेटर्स ऑफ औरंगजेब, वो उसमें उसने लिखा हुआ था कि मैं एक किस्म की उसका आखिरी खत था अपने बेटे के नाम, जिसमें उसने कहा था कि ये
मेरा ज़मीर जो है वो मुझे मलामत करता है और मैंने बड़े गलत फैसले किए हैं और मैं अब सल्तनत की तबाही का जिम्मेदार मैं ही हूँ और कोई नहीं है, इस तरह की। ये बड़ा एक क्लाइमेक्स का मोमेंट है हमारे प्ले में भी और जो फिर नेशनल थिएटर ने जो एडेप्टेशन की उसमें भी। तो ये सारी रिसर्च चलती रही और उस जमाने की सोशल कंडीशंस पे, उस जमाने के जो इसके जिस तरह से औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज आम लोगों को अफेक्ट करती थी वो भी फिर हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। और दारा का जो लोगों के साथ मोहब्बत थी, फिर वो चांदनी चौक और ये जो उर्दू बाज़ार जहाँ से दारा का जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसका जुलूस निकला था कि उसको एक हथनी पे, बीमार हथनी पे बिठा के उसको जलील करने के लिए और उसके बेड़ियाँ पहना के उसको गुजारा गया। लेकिन बजाय इसके कि वो उसकी तजलील होती, लोगों ने उस पर फूल निछावर किए और उसका इस्तकबाल किया किसी एक फातह बादशाह की तरह। और दैट वाज द डेथ नेल फॉर दारा, क्योंकि इतनी उसकी पॉपुलैरिटी थी कि औरंगज़ेब के दिल में अगर कोई शक था कि इसको मैं ना मारूं और छोड़ दूं, कैद कर दूं, तो वो भी फिर निकल गया कि उसने कहा इतना अगर पॉपुलर है तो ये तो मेरे लिए थ्रेट रहेगा। और ये मुसलसल टू एंड फ्रो होता था, प्रेजेंट एंड पास्ट। और मेरे जहन में फौरन ये आता था कि जब भुट्टो को कू के बाद अरेस्ट किया गया और उसको महामारी में रखा गया, अभी ये क्लियर नहीं था कि इसके साथ क्या सलूक है। और बल्कि जनरल साहब मिला उसके साथ बड़े अदब के साथ और भुट्टो ने काफ़ी उसकी धुनाई की वहाँ पर। उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको रिहा किया जमानत पे, तो वो लाहौर आया। तो लाहौर में उसका ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ कि मतलब उसके जो भुट्टो के चाहने वाले भी हैरान रह गए, इतनी ज़बरदस्त उसको रिस्पॉन्स मिली। और कहते हैं कि जनरल जियाउल्लाह तब उसको किसी ने कहा था कि there is only one grave and two people, so one of these two have to go। तो यही चीज़ यानी प्रेजेंट में भी हो रहा है ज़िया और भुट्टो, और पास्ट में हो रहा है औरंगज़ेब और दारा। तो औरंगज़ेब का औलाद है वो ज़िया है, क्योंकि ज़िया ने जब ये हुकूमत में आया तो इसने हर आर्मी कंटोनमेंट में इसने औरंगज़ेब ब्लॉक बनाने का ऑर्डर दिए थे। अच्छा। और वो अभी भी शायद एग्जिस्ट करते हैं, इतना वो उसको प्रमोट करते थे औरंगज़ेब को, अभी भी करते हैं। तो दूसरी तरफ भुट्टो एक लिहाज से सूफी भी था या सूफियों का मानने वाला था और सेकुलर था और दूसरे मजाहब का एहतराम करता था। और दारा भी अपने ज़माने में एक अपने हिसाब से सूफी भी था और सेकुलर भी था। तो ये जो पैरेलल्स हैं ये देवर देयर इन माय माइंड बट नॉट इन द प्ले। प्ले वाज स्टिल इन द पास्ट, लेकिन वी वर डिस्कवरिंग प्रेजेंट थ्रू आवर पास्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सर ये बताएं कि ये तो ये आपने फिर ये यहाँ तक पहुँच गया, आपने इसको फिर आपने पहले बताया कि जरूरत भी थी, फिर आपने रिसर्च भी की, फिर आपके पैरेलल ड्रॉ भी कर लिए, आपने जेहन में किए, लेकिन आपको पता चल गया कि आपने इसे प्रेजेंट करना है। इसके बाद जब आपको ये आइडिया हुआ कि अब आपने इसको लिखना है स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर, sometimes takes a long time। जी तो हाँ मैं कह रहा था कि 2001 में इसका मैंने पहला सीन लिखा था जो वहां पर लॉस एंजलिस में उसकी एक प्ले की रीडिंग हुई थी। एक विला अरोरा वहां जगह है जो एक बड़ा जबरदस्त कल्चरल सेंटर है जी। तो जो जंग के जमाने में जर्मन एग्जाइल जो थे उन्होंने वो सेटअप किया था। तो वो फुख्त वांगर एक बड़ा मशहूर प्ले राइट था, प्रोग्रेसिव प्ले राइट जर्मन, जो फिर एग्जाइल में आ गया था। तो उसने अपना घर को डोनेट किया था, तो वहां पर ये हमने रीडिंग की। उसके बाद आप सोचें ये 2010 में फिर परफॉर्म होता है, तो 8-9 साल ये मेरे जहन में पकता रहा कहीं बैक ऑफ द माइंड। और फिर ये रिसर्च भी साथ साथ चलती रही, नोट्स भी चलते रहे। तो उसके बाद फिर जब लिखने का मौका आया और जब मुझे मतलब ये मदिया की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई कि भाई नया प्ले लिखना है,
तो मैंने कहा कि अब फिर दारा पे लिखा जाए। मजा यह है कि उस जमाने में मैं पीटीवी हेडक्वार्टर में काम कर रहा था एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो बड़ा एक अहम पोजीशन थी और बड़ी उसकी जिम्मेदारियां थी। पूरे पीटीवी के नेटवर्क्स का प्रोग्रामिंग जो है उसको हैंडल करना था, गवर्नमेंट को मैनेज करना था, अपोजिशन को, सेनेट कमेटियों को, बीच में मैं एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहा और साथ ये इसकी अब डेडलाइन आ गई, उन्होंने कर दिया तो प्ले को डायरेक्ट भी मैंने ही करना चाह रहा था। तो मैं ये करता था कि नॉर्मली वीकेंड्स पे मैं आता था लाहौर, वीकेंड्स पे इसकी रिहर्सल्स होती थी, फिर मैं वापस चला जाता था, थोड़े बहुत मैं अरेंजमेंट्स जो है वो फोन के जरिए करता था या जो उसकी सेट डिजाइन का या दूसरे इश्यूज है। और जब ये प्ले तैयार हो गया और उसके इनविटेशन कार्ड छप गए तो मैं जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरशद खान साहब उनको मैंने इनवाइट किया, मैंने कहा ये प्ले हो रहा है तो मैं फिर इसके लिए जा रहा हूँ, तो हैरान हो गए, कहते हैं ये आपने लिखा कब? मैंने कहा बस इसी जमाने में, और यही होता था कि वहीं पर मैं बैठा हुआ फाइलें भी डील कर रहा हूँ और जो हर तरह के मसले हल कर रहा हूँ, कभी कोई प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, कभी कोई प्राइवेट पार्टियां आ रही हैं, कभी कोई सेनेट की और असेंबली की मीटिंग्स, उनकी स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स आ रही हैं, और साथ साथ मैं बीच में जो टाइम मिलता है तो मैं इसके स्क्रिप्ट लिखता जाता था। उन्होंने कहा ये तुमने लिखा कब? तो मैंने कहा ये बस तुम तो यहाँ काम कर रहे थे, मैंने कहा बस उसी दौरान मैं कुछ ना कुछ टाइम निकाल के लिखता रहा। फिर उन्होंने देखा कि डायरेक्टेड बाय, तो कहते हैं डायरेक्ट तुमने कब किया है, तुम तो यहाँ थे। मैंने कहा बस मैं वीकेंड्स पे जाता था और बाकी कुछ रिमोट एक्टिविटीज होती थी। तो इस तरह से फिर मैं बाद में बीच में कुछ छुट्टियां एक दो और लेके भी मैंने उसको जरा ज्यादा एक्सटेंड किया और इस तरह से फिर प्ले तैयार हुआ। और फिर एक टीम वर्क होता है उसके बाद, उसमें ज़ाहिर है मदिया ने भी हेल्प की, हमारे जो एक थे लाइटिंग के और सेट डिज़ाइन के एक्सपर्ट शकील सिद्दीकी थे, नदीम मीर थे, तो उनकी भी मदद मिली और प्ले फिर इस तरह से खड़ा हो गया। तो ये जरा थोड़ा सा अनयूजुअल प्रोसेस था। नहीं, ये तो बड़ा जबरदस्त आपने बताया कि कैसा प्ले और उसके ऊपर तो कमाल, यानी जिसे कहते हैं कि ये आपने आइडिया पेश कर दिया है। अच्छा ये बताइए कि सर कि आप जो ऐसे डायरेक्टर, आपके लिए जो स्टेज डिजाइनिंग थी और लाइटिंग की डिजाइन थी, इसमें आपके क्या कितना रोल था, कितना पार्टिसिपेशन था और क्या विजन था आपका इसमें? यह कि इसमें ये एक तो यह ना कि यू हैव टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर, मतलब एक सजेस्टिव सेट हो लेकिन जिसमें आपको वो माहौल वहां का नजर आए। और हमारे जो के जरा बजट बहुत ही लिमिटेड होता है जी, तो नहायत ही बेसिक जो उसकी वो लाइन, वो फिर हमें कुछ लीएन में भी मैं गया, वहां पर हमें वो शाहजहां नामा पिक्टोरियल बुक थी के पीरियड की मिनिएचर पेंटिंग थी, तो वो एक तो उसको फिर हमने कॉपी किया, एक स्लाइड्स बनाई। तो जो मेन सेट है उसका जो बैकड्रॉप है वो एक्चुअली शाहजहां नामा की स्लाइड्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स की, उसमें शाहजहां भी है, उसमें दारा भी है, उसमें औरंगजेब भी है, उसमें जहांआरा रोशनआरा भी कहीं है, और फिर पूरा माहौल है उस जमाने के जो लश्कर होते थे उनकी कोई पेंटिंग्स हैं, उस जमाने के रक्कासाएं हैं उनका है। तो वो फिर जैसे जैसे प्ले का मूड चेंज होता है तो स्लाइड्स भी पीछे चेंज होती हैं, और आगे फ्रंट पे फिर हमने सिर्फ एक इमेज देना था, तो एक तख्त था दारा का जो इम्पोर्टेंट था दरबार उस दारा के लिए, और बाकी हमने थोड़ा सा शहर का माहौल देना था, उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स वगैरह यूज किए, एक दारा का उसका सरमत का हमने दिखाना था तकिया, वो हमने एक बड़ा ही बेसिक अरेंजमेंट था, एक जो प्लेटफॉर्म्स हैं और कंबल हैं फटे पुराने उनके साथ,
और जहां तक दारा के जेल का ताल्लुक था तो वो हमने लाइटों से मैनेज किया, जो एक लाइट्स में ऐसे पैटर्न्स होते हैं बार्स जिससे बन जाती हैं, तो वो एक स्पॉट लाइट है विद बार्स, तो वो जब हम दारा का सीन आता था तो दैट वॉज गुड इनफ। आजकल का जो मॉडर्न थिएटर है उसमें इट्स सजेस्टिव सेट लाइटिंग के जरिए और सजेशन के जरिए यू कैन मैनेज, तो इस तरह से। लेकिन वो डिजाइन जो हमने बनाए उसके जो भी तख्त था या स्टेप्स थे, वो डिजाइन वही जो एक ऑथेंटिक मुगल मोटिव थे जो उनकी बिल्डिंग्स में भी यूज होते थे और महलों में भी यूज होते थे, तो उन्हीं को हमने डिजाइन को यूज किया। और थोड़ी बहुत सजेशन कॉस्ट्यूम्स में, मसलन हमें पिक्चर्स मिल गई तो कॉस्ट्यूम फिर लंडा जिंदाबाद लंडे से सामान आता था उसको फिर हम मैनेज करते थे अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स जो हमने ली हुई थी पेंटिंग से या और नेट से या और सोर्सेज से, और उसी से फिर उनका बादशाहों का शहजादों का जो पोशाक और उनके जो जो भी पगड़ियां और ताज थे और जो औरतों के जो घगरे और जो उनकी पोशाक दुपट्टे वो हमने मतलब इस तरह, तो बहुत ही बेसिक था। और एक छोटी सी टीम थी जिसमें मदिया थी और शकील सिद्दीकी थे, नदीम मीर थे और भी शायद कोई का दो, तो इन्होंने मिलजुल के कुछ शॉपिंग भी की, कुछ अपने अजोका के पुरानी कुछ चीज़ें निकाली उनको थोड़ा सा रीडू किया और कुछ दर्जी से कुछ चेंजेस करा ली, क्योंकि लड़कियों के खास तौर पे ड्रेस जो है दे हैड टू बी प्रॉपरली एक मेजरमेंट के हिसाब से करना था। तो आप लोग तो उसमें आप लोगों को कोई मखसूस दर्जी है जिससे आप काम करवाते? हाँ, ये मतलब नॉर्मली तो एक जिसको समझ आ जाती है कि ये थिएटर का है, तो थिएटर का सूल ये है कि इट हैज टू बी सीन एज ऑथेंटिक। मसलन कपड़ा जो है वो सस्ता तरीन हो लेकिन लुक उसकी जो है वो ऐसी आए जो शाहाना लुक हो, ये एक आर्ट है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री में बड़ा जबरदस्त टच आता है कि अगर वो जो है ना, यानी कह रहे मतलब कि ये एंगल भी जो है ना, यानी कह रहे मतलब जो दर्जी है उससे हम बिल्कुल हम दिखा भी सकते हैं उसका एक ये देखें जी, ये हमारा ताज है इसकी, वहां क्या लगता है स्क्रीन पे और यहाँ क्या लगता है। जी जी सर। अब इसका मुकाबला अगर हम ब्रिटिश प्रोडक्शन से करें तो वो जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारे एक पाउंड की चीज थी वहां वो 10,000 पाउंड की लगाई, उनके पास रिसोर्सेस थे। लेकिन यह है कि कन्वे हमने और जो इंस्पिरेशन देनी थी वो हम अपने एक पाउंड वाले से भी दे सकते थे और दी हमने। सर ये बताएं कि सर दूसरी चीज, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ सर और मैंने देखा है कि आपकी जो बहुत जबरदस्त ग्रिप है स्टोरी टेलिंग के अंदर, यानी कि स्टोरी को कैसे बताना है ये आपकी आपका बड़ा एक खास अंदाज है, एंड आई रियली एडमायर दैट। तो जो अजोका का जो स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज है वो बड़ा मुख्तलिफ है, मतलब उसमें गाने भी आ जाते हैं, म्यूजिक भी आ जाता है, उसमें जोक्स भी आ जाते हैं, कलरफुल है, इसमें थोड़ी सी रोशनी डाले, ये स्टोरी टेलिंग का तरीका कहाँ से सीखा आप? देखिए जी, उसमें स्टोरी टेलिंग में एक तो ये है कि इट्स लाइक स्ट्रिप्टीज कि यू डोंट शो ऑल राइट इन द बिगनिंग, यू ग्रेजुअली टेक ऑफ द कवर्स तो बिट बाय बिट एंड क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट अमंग द ऑडियंस। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है फ्रॉम वेयर टू बिगिन, बड़ा इससे फर्क पड़ता है कि आप एकदम कैप्चर कैसे करते हैं लोगों को शुरू में, उनकी जो मिस्ट्री है या जो एक सिंबलिज्म है, जो उसकी एक पुल है स्टोरी की, उसको अगर आपने एक शुरू में ही लोगों को ग्रिप में लेना है तो फिर उसके लिए ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ऑब्वियसली जो एंड है वो भी एक उसका कंक्लूजन, इट हैज टू बी वेरी पावरफुल। और हमारा प्ले, हमारी स्टोरी टेलिंग या हमारी जो प्लेज हैं दे आर मोर सेलिब्रेटरी इन नेचर एंड मोर एक्लेक्टिक, मोर मिक्स्ड, जिसमें डांस भी है, जिसमें ह्यूमर भी है, जिसमें सस्पेंस भी है, जिसमें हाई ड्रामा भी है, सारा कुछ मिल के चलता है।
और मिथ्स और रियलिटी साथ साथ चलते हैं। तो इसमें हमने शुरू ही किया जहांरा की एक जब ओपनिंग है मातम से ओपनिंग है, तो आपने एक क्रिएट कर लिया एक माहौल कि जिसमें काले कपड़ों में कैरेक्टर्स आते हैं और सारे बस मातम की आवाज आ रही है कि दे आर बीटिंग देयर ब्रेस्ट और साथ पीछे वो कवाली चल रही है, तो आज रंग है जो है तो। और उसके बाद फिर जहांरा अपनी डायरी पढ़ना शुरू करती है और वो कहती है बदकिस्मत हिंदुस्तान तुम्हें और कितना खून चाहिए इस मिट्टी को सैराब करने के लिए। तो वो एक पकड़ आ जाती है कि ये क्या कहानी है जिसमें इस कदर खून बहा और अपनों का खून बहा। तो ये फिर वो सरमद इज अ गुड डिवाइस टू क्रिएट मिस्ट्री और इसको लिफ्ट करने के लिए, स्टोरी को एक रियलिज्म से लिफ्ट करने के लिए, एक स्पिरिचुअल और एक मिस्टीरियस डायमेंशन में लिफ्ट करने के लिए। तो वो आके फिर ऐलान करता है दारा की बादशाहत का। लोग कहते हैं कि दारा तो गिरफ्तार हो गया, उसको तो शिकस्त हो गई है। वो कहता है नहीं, मैं ऐलान करता हूँ दारा की बादशाहत और खुशियां मनाओ और शादियाने मनाओ। तो इस तरह से बिगिनिंग होती है। तो वो एक बड़ी एक मिस्ट्री सी एक डेवलप हो जाती है। उसके बाद आपने फिर कुछ बातें जो है वो, चूंकि स्टोरी ऐसी है जिस इट इज सो ग्रिम, तो उसमें फिर आपने कुछ रिलीफ भी देना है और कुछ महल से दरबार से बाहर का भी कुछ हवा और इमेजेस देने हैं। तो उसके लिए फिर हमने जो दारा के एडमायरर्स हैं जिन्होंने उसका इस्तकबाल किया था जब उसको उसकी शिकस्त का जुलूस था, या जो आम लोग हैं जो उसके औरंगजेब की पॉलिसियों से मुतासिर हो रहे हैं, नाचने वाले गाने वाले, तो इस तरह के जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, तो वो भी वो रिलीफ भी बीच में रखते हैं। तो ये स्टोरी जो है ना, ये फिर स्ट्रेट नैरेटिव नहीं चलता और इसमें कहीं आगे कहीं पीछे और कहीं म्यूजिक है तो कहीं सरमद की प्रिडिक्शंस हैं। फिर एक इसमें नैरेटर्स हमने रखे थे, तो वो नैरेटर्स भी अपने एक कॉमन पीपल कमेंटिंग, दरबारी हैं जो उसके दरबान हैं या कोई और ठेले वाले हैं, इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं। तो ये है कि इसको हम पूरा जो एक माहौल जो है एक उस दौर का वो क्रिएट करना चाह रहे थे, और उसके अंदर एक तरफ कहानी है ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर टाइप की, जिसमें शाहजहान अपने बच्चों के दरमियान बैठा सोच रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी है, क्यों एक दूसरे की जान के दरपे हुए हुए हैं। और तो एक वो लेवल है, और दूसरा लेवल है एक स्पिरिचुअलिज्म का, एक मिस्ट्री का, जो ये सरमद के जरिए क्रिएट होती है। तो ये साथ साथ लेके चलते हैं, यानी रियलिटी और हिस्ट्री प्लस पीपल्स हिस्ट्री एंड पीपल्स स्पिरिचुअल हिस्ट्री, वो भी साथ साथ चलती है। तो और कल्चर इज वेरी मच ए पार्ट, इट्स द स्टोरी इज नॉट ओनली टोल्ड थ्रू डायलॉग्स बट थ्रू सूफी पोइट्री, सरमद की पोइट्री, दाराशिकोह की पोइट्री, अमीर खुसरो की पोइट्री। तो ये ट्रू टू देसी और साउथ एशियन थिएटर फॉर्म हमने इसको एक पॉटपुरी या एक कॉम्बो है जिसमें म्यूजिक भी है, ह्यूमर भी है, और जिसमें एक शान शौकत भी है, और जिसमें एक सूफीज्म भी है, और एक ट्रेजिक ट्रेजिडी भी है, हाई ड्रामा भी है, सारा इसको मिला के। और इसको फिर हम इसमें ये कोशिश की हमने कि औरंगजेब को पूरा टाइम दिया जाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने के लिए, और औरंगजेब को हमने टाइम दिया। ये नहीं कि औरंगजेब को बिल्कुल कंडेम कर दिया, बल्कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका जो क्रिटिसिज्म था दारा पे, वो भी हमने एस्टेब्लिश किया थ्रू औरंगजेब एंड थ्रू हिज सिस्टर रोशनआरा जो औरंगजेब की अलाई थी, और जो दारा का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थ्रू दारा एंड हिज सिस्टर जहांआरा बेगम जो इसकी अलाई थी दारा की। तो ये हमने जो ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमने छोड़ा नहीं है,
वो इनका इन दोनों का भी कॉन्फ्लिक्ट है, दो भाइयों का जो एक बड़ा ही इंसानी सतह पे कॉन्फ्लिक्ट है, फिर दो शहजादों का जो एक सियासी सतह पे कॉन्फ्लिक्ट है, फिर एम्पायर का और पीपल्स सिंबल सरमद फारसी का, वो भी एक था, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो जो इनकी दारा और औरंगजेब और शाहजहां से भी बड़ा था कि अवाम का और जो रूहानी इस्लाम है उसका एक तंग नज़र इस्लाम से और बादशाहों के इस्लाम से एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये चीज़ें फिर लोगों को समझ में आती हैं और उनको साथ चाशनी भी मिलती है म्यूज़िक की और डांस की और अच्छी लाइटिंग की, साथ उन्हें थोड़ा सा सूफीज़म का तड़का भी मिलता है जो हमारे लोगों के बहुत करीब है और उनको बात समझ में आती है, जो सूफी लैंग्वेज है, जो सूफी सिंबलिज्म है, और साथ ह्यूमन ट्रेजेडी तो अपनी जगह पर है जो चलती है। और उसमें दारा जो है ही इज लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर ट्रूथ एंड ही इज जेन्युइन बट ही इज नॉट अ ग्रेट हीरो, ही हैज हिज वीकनेसेस एंड हिज बिगेस्ट वीकनेस इज दैट ही इज अ सूफी एंड कमांडर। तो कमांडर का काम है लोगों को तह ते करना, सूफी का काम है लोगों को गले लगाना। तो औरंगजेब में था कि दारा को मौका मिला था, इसने शिकस्त दे दी थी औरंगजेब को और उसके भाई को शाह शुजा को, तो लेकिन इसने शाहजहां आखिर बाप था, उसने कहा कि बस भागते हैं तो भागने दो, उनको मारना नहीं। तो इसने पीछा करके उनको जान से नहीं मारा बल्कि उनको भागने दिया और वापस आ गया, क्योंकि वो नहीं था। औरंगजेब को जब मौका मिला तो उसने कोई देर नहीं लगाई, उसने बाप को भी कैद कर दिया, उसने बहन को भी कैद कर दिया और उसने भाई को, पहले एक भाई को जो उसका एलाई था उसको मरवाया मुराद को, फिर इसको इसकी भी ऐसी की तैसी की दारा की। तो ये जो इसका अंदर का कॉन्फ्लिक्ट था वो भी दैट वाज हिज अनडूइंग, तो उसको भी हमने इसको टच किया। अच्छा सर, ये जो आपने पूरा मुझे क्रिएटिव प्रोसेस बता दिया है, आपने मुझे वजह बता दी है, आपने क्यों हिस्ट्री ये चीज सेलेक्ट की, ये प्ले की प्रमाइस क्या है, ये सारा मुझे समझ में आ गया। मैं अभी चाहता हूँ कि जो यहाँ से कि इस जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है इसका स्टार्ट, सबसे मुश्किल काम है इसका स्टार्ट, क्योंकि जरा आपने स्क्रिप्ट राइट करना है, उसको लिखना है, तो इसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से हम लें, कहाँ से आपके ख्याल में, अगर आप इसके स्क्रिप्ट राइटर हो तो आप कहाँ से स्टार्ट लें ताकि ये इम्पैक्ट फैक्टर के। देखिए जी, एक तरीका तो यह है कि आप इसको वहां से शुरू करें जो लंदन में इसकी पजीराई हुई दारा की, उसके एट ए ह्यूज लेवल और द ग्रेटेस्ट थिएटर इन द वर्ल्ड जो नेशनल थिएटर है और द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ मेन ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स, उनके कमेंट्स थे और जो लोगों की रिस्पांस थी, जो खचाखच भरे होते थे 3 महीने तक, और उसके बाद भी जब उनका प्रोग्रामिंग बदल रही थी, लेकिन आखिरी दिन भी मुझे यहाँ पाकिस्तान में फोन आते थे कि हमें एक सीट चाहिए, एक टिकट दिलवा दो, इतना वो पैक था आखिरी दिन तक। और उसकी जो दराए टेम्स है उसके ऊपर है ये नेशनल थिएटर वाकया, और उसमें एक बहुत बड़ा स्क्रॉल चल रहा था जो नियॉन साइंस वाला नेशनल थिएटर के ऊपर, 3 महीने वो चलता रहा मेरे नाम से, शाहिद नदीम प्ले दारा। तो ये एक पहली दफा थी कि एक साउथ एशियन प्ले जो है, बल्कि शायद कुछ चाइनीज या जैपनीज हुआ हो, कि जो ब्रिटिश नेशनल थिएटर ने खुद प्रोड्यूस किया, और प्लेज तो वहाँ उनके होते रहते हैं, खुद प्रोड्यूस किया और उसको इस तरह से प्रमोट किया, तो दैट वाज सम काइंड ऑफ ग्रेट रिकग्निशन, अवार्ड्स वगैरह भी उसको मिले। तो वहां से वी कैन ट्रेस बैक। अच्छा, ये इसकी फुटेज मिल सकती है हमें, इसकी फुटेज? उसकी फुटेज कुछ ना कुछ तो शायद मिल जाएगी, कुछ तस्वीरें या कुछ इमेजेस, वो आई कैन ट्राई। कुछ
नेशनल थिएटर की बिल्डिंग की मिल जाएंगी, प्रेस जो हेडलाइंस हैं वो मिल जाएंगी, और शायद थोड़ा बहुत उसके कोई एक्सट्रैक्ट वीडियो का टेलीविजन पे उसकी जो कवरेज हुई थी वो मिल जाए, और देखता हूँ मैं। एक तो ये तरीका है, वहां से कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि आप यहाँ से कर लें, जो इसका बड़ा ड्रामेटिक है जो शाहजहां और सरमद का जो डायलॉग है, जो मेरा पहला सीन जो मैंने लिखा था, वो कहता है कि तू नंगा क्यों रहता है फकीर, और वो कहता है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, तू इतने लिबास में और इतने जरक बरक कपड़ों में भी तो नंगा है, और इस तरह की कुछ है डायलॉग जिस पे लोग पागल हो जाते थे जो ऑडियंस है। अच्छा। तो ये क्या मिस्ट्री है कि एक बंदा नंगा फकीर है जो बादशाह को ललकार रहा है, इतना मशहूर बादशाह को, और हॉल जो है वो सीटियां और ओवेशन पर सेवरल मिनट्स वो चलती थी। अच्छा। तो वहां से इसकी जो थिएटर की मिस्ट्री, और जो सरमद और एक सरमद बगैर कपड़ों वाला कैरेक्टर, और एक औरंगजेब जो सर से पैर तक बेहतरीन लिबास में और कबाएं और अबाएं पहने हुए और ताज पहने हुए खड़ा है, और किस तरह से लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, समवन हु हैज नथिंग, लिटरली नथिंग। तो वहां से भी शुरू हो सकता है कि ये थिएटर की क्या ये है। तो वो असल मैजिक उसकी फुटेज मिल जाएगी हमें, उसकी फुटेज तो मतलब है उस सीन की, और ऑडियंस की अप्लॉज की तो मिल जाएगी जी। ऑडियंस के शॉट्स शायद ना मिले, वो भी शायद मिल जाएं, क्योंकि नॉर्मली तो लाइट नहीं होती ना हॉल में, लेकिन शायद वो भी कुछ मिल जाए कहीं पर, यानी एंड के ऊपर जब होती है उसकी कर्टन कॉल होती है जी। उस वक्त जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिलता है, जब इवन जब सरमद आता है तो जिस तरह से लोग उसको करते हैं रिसीव, तो वहां से भी शुरू हो सकता है। तो वहां से फिर हम कहां ले जाए इसको, वो सीन हमने दिखाया वो फिर उसके बाद फिर आपके पास कैसे आया? हाँ, बस उसको ये सवाल के साथ शुरू हो ना कि ये कहां से आ गया सरमद, कौन जानता था सरमद को, यहाँ तो औरंगजेब हुक्मरान था, मिसाली हुक्मरान था, तो उसकी फिर स्टोरी है कि हाउ वी डिस्कवर्ड सरमद, हाउ वी डिस्कवर्ड दारा, and what is the role of theater and how the magic of theater can totally change people's perceptions. aap jitne marzi unhe lectures de dein darashko pe aur sarbat ke upar wo uska impact nahi hoga, lekin agar aap usko is tarah ki dramatic situation mein late hain to instantly log uske sath relate kar sakte hain. to ye phir jo theater ka jo ek magic hai uski bhi study ho sakti hai, हिस्ट्री को समझने के तरीके भी हो सकते हैं कि किस तरह से हमने फिर हिस्ट्री को और इन कैरेक्टर्स को हम वापस लाए हैं और लोगों के सामने पेश किया है, तो उसमें और हवाले भी चल सकते हैं। इसमें जो ताजदार आलम साहब का जो आइडिया था ना, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा आइडिया ये उन्होंने दिया मुझे, अब मुझे अंदाजा हो रहा है जब मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है। वो कह रहे थे कि क्या जो शाहिद नदीम साहब है ना, वो हमारा फोकस है, और वो क्या करते हैं कि उनकी बातों से ही हमें आगे मिल जाती है चीजें। मिसाल के तौर पर वो जिस चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं, मिसाल के तौर पर लाइट्स के ऊपर इंडिकेट करते हैं, मिसाल के तौर पर वो हमारे कॉस्ट्यूम्स की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो वो हमें उसके उनके बातों के थ्रू हम लोगों से बात कर सकते हैं, मतलब उन्हीं की बातों के साथ हम एक जो है ऐसी बातें जोड़ सकते हैं, फिर और लोगों से भी कर सकते हैं, मतलब जो एक्टर्स हैं, जैसे एक्टर हैं आप कोई जिन्होंने इस प्ले में परफॉर्म किया, वो उनकी गुफ्तगू है बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमने 70% जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री में रखना है शाहिद नदीम साहब को, और वही चलाएं इसको, और 30% हम उनको ताकि हमारी उसमें जो है ना वो मिलती रहे उसको एक चलें, वो आपकी मर्जी है। हाँ, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप प्लान करें, चलें आप इसको वर्कआउट करें, ठीक है, और फिर मजीद भी जो कोई क्वेश्चन होंगे कर लेंगे। अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपने जरा दोबारा आपसे सीखने का मौका मिला है, और मौका मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।
हम आपके मद्दाह हैं खुद सर. ओके ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अल्लाह सर, बहुत बहुत.